जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी है। हेलो गाइस, वेलकम टू शील्ड डिफेंस एकेडमी वेयर योर नॉलेज इज़ योर वेपन। मैं नूरुल सलाम आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था एटमॉस्फेयर का पहला पार्ट, तो एटमॉस्फेयर के आज दूसरे पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा, मैं आपका एक क्विक रिविज़न कर देता हूँ। हम लोगों ने कंपोजिशन देखा था, हमारे एटमॉस्फेयर की क्या क्या कंपोजिशन होती है, फिर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखा था। आई होप कि आपको सारी लेयर याद हो गई हूँ। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये पांच लेयर होती हैं। इनमें हमने पहली लेयर को देखा था। पहली लेयर आपकी कौन सी थी? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में चार चीज़ें थी, उन चार चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या थी? सारे फिजिकल फीचर यहीं पाए जाते हैं। दूसरा, सारा मौसम संबंधित घटनाएँ यहाँ घटित होती हैं। पतंदर यहीं पाया जाता है और जेट स्ट्रीम पाई जाती है। ये चार चीज़ें यहाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, सारा का सारा आंधी तूफान पानी बरसात, वो आपका किस लेयर में पाया जाता है? वो आपका पहली लेयर में पाया जाता है। सारा मौसम संबंधित घटनाएं, सारा डिस्टर्बेंस जब पहली लेयर में होता है, तो दूसरी लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो एकदम शांत रहती है। और इसके शांत रहने की वजह से जितने भी हवाई जहाज़ उड़ते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एयरक्राफ्ट कहाँ पर फ्लाई करते हैं, हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ते हैं? तो वो आपकी दूसरी लेयर में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि दूसरी लेयर में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से यहाँ पर सारे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। तो इन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दूसरी लेयर में पहली चीज़ क्या पाई जाती है? एयरक्राफ्ट। और दूसरी चीज़ जो पाई जाती है वो ओजोन लेयर। अब ओजोन हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है जिसके बारे में हमें जानना है। ओजोन की अगर हम बात करते हैं तो ओजोन हमारी जो लेयर है, एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है वो किस लेयर में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक, ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रेस को फिल्टर करती है या एब्जॉर्ब करती है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये एब्जॉर्ब करती है, सन से आने वाली यूवी रेस को ये एब्जॉर्ब करती है, और जब वो एब्जॉर्ब करती है तो ओजोन का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो ओजोन किसकी वजह से बनती है? यूवी रेस की वजह से। अगर यूवी रेस नहीं होगा तो ओजोन नहीं बनेगी। ये ओजोन के बनने का एक रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, जिसे कि आप देख सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ओजोन जो है, ओजोन किसकी वजह से बन रही है? यूवी रेस की वजह से, यानी सन की रेस की वजह से। अब सन की रेस कहाँ पर ज़्यादा पड़ती है? इक्वेटर पे कि पोल पर? बताइए बच्चों, कहाँ पर ज़्यादा पड़ती है? इक्वेटर पे कि पोल पर? हाँ, इक्वेटर पर। अब जब सन की रेस इक्वेटर पर ज़्यादा पड़ेगी तो ओजोन ज़्यादा कहाँ बनेगी? इक्वेटर पे। और जब ओजोन इक्वेटर पर ज़्यादा बनेगी तो पोल पर क्या बनेगी? कम। तो इक्वेटर से पोल तक जाने पर सन की रेस जैसे जैसे कम होती है, उसी तरह से इक्वेटर से पोल तक जाने पर ओजोन की मोटाई भी कम होती है। तो ओजोन की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इक्वेटर पर। और सबसे कम कहाँ होती है? पोल्स पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इक्वेटर से पोल तक जाने पर ओजोन की मोटाई घट रही है, जैसा कि हमने देखा। अब पोल हमारे पास कितने हैं? दो पोल, एक है आपका अंटार्कटिका और दूसरा है आर्कटिक। आर्कटिक नॉर्मल है, लेकिन अंटार्कटिका में ओजोन लेयर इतनी पतली हो गई है कि वहाँ ओजोन होल हो गया है। अब ये ओजोन होल कब हुआ है? 1985। और इसको किसने ढूंढा? जोसेफ फॉरमैन ने। जब इन्होंने इसको ढूंढा तो वो तीन चीज़ पता चली। पहला, ओजोन को किस पे नापते हैं? डॉप्सन से। तभी तो उन्होंने डॉप्सनोमीटर की मदद से इसे नापा और कैलकुलेट करके बताया। दूसरी चीज़, ओजोन को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है सीबीसी। सीबीसी मतलब क्लोरो, सॉरी सीएफसी। सीएफसी मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन एक गैस है, एक आर्टिफिशियल गैस है, जो हमें कहाँ से मिलती है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन एक आर्टिफिशियल गैस है जो हमें एसी, फ्रिज, वेयर हाउस, ठंडी कंप्रेसर्स वाली जगहों पर मिलती है। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर निकल के आई ओजोन होल से, वो थी कि अब हम क्या करेंगे। ओजोन होल एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। क्यों? क्योंकि ओजोन होल के संपर्क में आने से आपको क्या हो सकता है? आपको स्किन डिजीज हो सकती है, स्किन डिजीज, जेनेटिक डिजीज, ये सब हो सकती है। अगर ओजोन होल ख़त्म
तो दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो इससे निपटने के लिए ओजोन के लिए वर्ल्ड लेवल पर क्या किए गए, सबमिट्स किए गए। क्या किए गए फ्रेंड्स, सबमिट्स। और इन सबमिट्स लगातार हो रही है, लेकिन मैं दो क्वेश्चन बनता है, पहली सबमिट कौन थी, वियना जो 1985 में हुई थी, और दूसरी सबमिट कौन सी थी, मॉन्ट्रियल जो सबसे फेमस थी। तो मॉन्ट्रियल सबमिट में क्या निकल के आया, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मॉन्ट्रियल सबमिट जो थी आपके पास यहाँ पर है, इस मॉन्ट्रियल सबमिट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आए। जो पहला पॉइंट यहाँ पर निकल के आया वो ये था कि मॉन्ट्रियल कब हुई, 16 सितंबर 1987। तो 16 सितंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं, ओजोन डे। तो ओजोन डे की शुरुआत मॉन्ट्रियल सबमिट से हुई, पहला पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, मॉन्ट्रियल सबमिट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, यहाँ पर एक वर्ड आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या वर्ड आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, ओजोन के क्षयकरण से संबंधित है, तो इसे याद रखिएगा। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपका ओजोन डिप्लीशन से। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ, 16 सितंबर। हम ओजोन डे कब मनाते हैं, हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, 87 में इसकी नींव रखी गई थी। और ओजोन के लिए होने वाला सबसे पहला सम्मिट कौन सा था, तो फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं, सबसे पहला सम्मिट था आपका वियना। तो इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अगर आप ध्यान रखेंगे तो ओजोन से अक्सर क्वेश्चन आता है और आप उसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली लेयर पे आते हैं, मेसोस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं मध्यमंडल। मेसोस्फीयर में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, पहला धूल के कण। यहाँ पे इतने ज़्यादा धूल के कण पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, कि जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आता है तो उसमें उल्का पिंड से का डस्ट पार्टिकल से घर्षण होने के कारण, फ्रिक्शन होने के कारण उसमें आग लग जाती है। तो बर्निंग ऑफ मेट्रॉइड्स या उल्का पिंड की जलने की घटना हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर में पाई जाती है। फिर आते हैं आपकी चौथी लेयर, चौथी लेयर का नाम है आयनोस्फेयर। यहाँ पहली चीज़ पाई थी आयंस, प्लस माइनस के आयंस पाए जाने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, आयनोस्फेयर। ये हमारे पृथ्वी की सबसे गर्म परत भी है, सबसे गर्म परत। हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे गर्म लेयर कौन सी है, आयनोस्फेयर। और सबसे ठंडी परत कौन सी है, सबसे ठंडी परत है आपकी मेसोस्फेयर। तो ठंडी और गर्म एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करते हैं आयनोस्फेयर में, तो आयनोस्फेयर में हमें जो पहली चीज़ मिली थी वो क्या मिल रहा था, वो हमें मिल रहा था आपका आयंस। और दूसरी चीज़ जो यहाँ मिली वो अरोड़ा। अरोड़ा क्या होते हैं, ये पोलर लाइटनिंग होते हैं, ध्रुवीय प्रकाश होते हैं, जो ध्रुवों पर उत्पन्न होते हैं। सन की सोलर फ्लेयर जब बहुत तेज़ी से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने की वजह से एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम बोलते हैं अरोड़ा। ये अरोड़ा दो तरह का होता है, एक नॉर्थ पोल में होता है, एक साउथ पोल में होता है, ठीक। नॉर्थ पोल में होने वाले अरोड़ा को फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल में होने वाले अरोड़ा को हम जो बोलते हैं, नॉर्थ पोल में होने वाला जो अरोड़ा है उसको हम बोलते हैं अरोड़ा बोरेलिस। और जो साउथ पोल में हमें अरोड़ा मिलता है उसे हम बोलते हैं अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस। तो अरोड़ा हमारे पास दो है, एक आपका नॉर्थ पोल में और एक साउथ पोल का। तो नॉर्थ पोल वाला जो अरोड़ा है उसका नाम है अरोड़ा बोरेलिस। और साउथ पोल वाला जो है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिस। तो आमतौर पर पेपर में ये आता है, ये नहीं पूछा जाता, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अरोड़ा बोरेलिस कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ में कि साउथ में। तो कहाँ पाया जा रहा है, नॉर्थ में। तो फ्रेंड इसे याद रखिएगा, अरोड़ा बोरेलिस आपका नॉर्थ पोल में पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे लास्ट लेयर के बारे में, लास्ट लेयर कौन सी, एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर में आपको क्या मिलते हैं, सैटेलाइट या उपग्रह। सैटेलाइट जितने भी पाए जाते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर में पाए जाते हैं। और यहाँ पर सैटेलाइट पाए जाने की वजह से अगर हम बात करें तो ये सैटेलाइट हमारे एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर में मिलता है। और आखिरी लेयर जो है वो है आपका एक्सोस्फीयर। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं, और
सैटेलाइट हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से मिलते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारे आउटर लेयर में पाए जाते हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आते आते हमने देख लिया एटमॉस्फेयर की बेसिक चीज़ों के बारे में। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमने लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली है, एटमॉस्फेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स आप एनसीईआरटी को रिफ़र ज़रूर करिएगा, एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी के बेस पर पढ़ा रहा हूँ और इसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे। चलिए अब हम लास्ट चीज़ जो है उसको देख लेते हैं। इन सारी लेयर्स में टेम्परेचर का वेरिएशन, जैसे पहली लेयर है, पहली लेयर में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर हमारा कम होता है, ओके फ्रेंड्स। दूसरी लेयर में टेम्परेचर कम होना चाहिए लेकिन ओजोन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। फिर तीसरी लेयर में टेम्परेचर आपका फिर क्या होता है, कम होता है। चौथी लेयर में भी टेम्परेचर कम होना चाहिए लेकिन ये बढ़ जाता है। तो हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन के चार पैटर्न हैं। पांचवी लेयर में टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे गर्म लेयर आपका आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर के इतने गर्म होने की वजह से इसे कभी कभी हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। तो थर्मोस्फेयर है चाहे आयनोस्फेयर है आप सेम समझ के आंसर लगाएंगे। हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर मेसोस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर किस लेयर में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, और लैप्स रेट या पतन दर किस लेयर में पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर। तो टेम्परेचर से रिलेटेड ये चार क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक और शेयर हमें इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो बनाने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच।